बसमीम ये भी मस्जिद अक्सा का दूसरा हिस्सा है जो कि औरजनल मस्जिद अक्सा है और इसे मस्जिद मरवानी कहा जाता है क्योंकि इसके कुछ हिस्से तो औरिजनल जो हज़रत सलमान के हैं और उसकी वाज़ फ़र्क नज़र आता है कि पत्थरों के जो साइज़ है वो काफ़ी बड़े हैं जो कि एक आम इंसानी क़वत से बाहर है कि वो उसे मूव कर सके तो वो देखने से पता चलता है वो पूरे पूरे वन पीस रॉक है जो हनुमान ने जिन्हों की मदद से वो बनाया था वो वन पीस पत्थर हैं सारे उसके अलावा जो छोटे साइज़ के पत्थर हैं वो मलिक बिन मरवान के दौर में वो लगाया गया था इस जमने एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उस ज़माने में छत बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं था या उस ज़माने में लोगों को छत बनाने का फ़न नहीं आता था तो सिर्फ दीवारें बनाए करते थे और छत खजूरों के छाल या इस तरह के दरख्त वग़ैरह से लगाते थे तो अगर अभी भी बिल्डिंग में छत के अतबार से छत की तरफ देखें तो वाज नज़र आता है कि वो आज के यानी कि बाद के दौर में छतें बनाई गई हैं जो कि छोटे पत्थर या ब्लॉक साइज़ हैं जो वाज़ फ़र्क नज़र आता है जितने हज़रत सलमान के दौर के पत्थर हैं या दीवारें हैं या पिलर्स हैं वो बड़े बड़े साइज़ के हैं वो वन पीस चटान है जो वाज नज़र आता है आ, बाद में जब क्रूसेडर्स ने या सलीबियों ने कब्ज़ा किया था उन्होंने इस जगह को आ, जानवरों का अस्तबल बना दिया था जो पत्थरों में ये वाज़ नज़र आता है जहाँ पे वो जानवर बांधा करते थे ये सुराख है जहाँ से वो रस्सी के ज़रिए जानवरों के जो लगामे बांधते थे वो आज तक वैसे ही मौजूद हैं और उन्होंने बड़ा ख़राब किया था ये अंदर जानवर और तमाम खंजीर वग़ैरह बांधते थे जब सलाउद्दीन याबी रज़ी रहा ने तकरीबन बारह सौ साल पहले जब वो उन्होंने फतह किया तो उन्होंने फिर इसको सारा साफ़ सुथरा करके इस जगह को फिर दोबारा से नमाजियों के लिए खोल दिया और मुसलमानों के पास आ गया ये एरिया आजकल ये एरिया जो है इसमें तकरीबन पंद्रह हज़ार के करीब लोग आ सकते हैं इस एरिया में और आम तौर रमज़ानों में ये एहतिकाफ की जितने भी मोतकफ लोग होते हैं मोतफिन हजरत यहाँ पर रुकते हैं और वह एहतकाफ़ करते हैं आ, इस मस्जिद में इधर पीछे एक बड़ा दरवाज़ा भी निकाला गया था जो कि अब बंद कर दिया गया है आ, ये दरवाज़ा मलिकब्दरवा मलिक बिन मरवान जिसके नाम से इसे मरवानी मस्जिद भी कहा जाता है उसके महलात थे तो उस तरफ दरवाज़ा निकाला गया था तो वो अपने महल से बर रास्त इसी दरवाजे के ज़रिए इस मस्जिद में आया करता था लेकिन अब इस दरवाज़े को मुस्तकिल बंद कर दिया गया है और चूँकि नाइनटीन सिक्सटी सेवन के वार के बाद से आ, अब इसराइली गवर्नमेंट किसी भी कस्म की किसी रिपेयर की इजाज़त नहीं देती क्योंकि उनका ख्याल ये है कि ये जो तमाम पिलर्स या बड़े पत्थर हैं वो टेम्पल के हैं और वह उसको किसी भी कस्म की कोई रिपेयर या कुछ करने के लिए नहीं देते जो इंट्रेंस के पास आते हुए वो जो कंस्ट्रक्शन के पाइप्स वगैरह लगी हुई थी वो काफ़ी अरसे से लगी हुई और आज तक लगी हुई क्योंकि किसी भी किस्म के मरम्मत के काम की अब इजाज़त नहीं है ये वो कमरा है जिसको सत्य मरियम कहते हैं यह हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम का कमरा है हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम का वाक़ कुरान में भी तफसील से मौजूद है हज़रत मरीम अलैहिस्सलाम के वालद का नाम इमरान और वालदा का नाम हन्ना था और उनके अंकल का नाम ज़करिया था जैसे ही हज़रत हन्ना ने हज़रत मियम आम की वलादत के कुछ ही अरसे के बाद हज़रत इमरान का इंतकाल हो गया था आ, उनकी पैदाइश से पहले उनकी वालदा हन्ना ने मन्नत मानी थी कि अगर बेटा होगा तो वो अल्लाह के रास्ते में वो दे देंगी और वो तबलीग का काम क्या करेंगे लेकिन जब वो बेटी पैदा हुई तो उस ज़माने में रिवाज नहीं था कि बेटियों को अल्लाह के रास्ते में दिया जाए तो और इस्पेली जब हज़रत इमरान का इंतकाल हो गया तो उसके बाद बनी इसराइली में ये हुआ कि इस बच्चे की कफालत कौन करेगा तो हज़रत जकरियाँ ने उसकी कफालत की जिम्मेदारी ली और उन्होंने इसकी देखभाल के लिए ये बैतुलमुद्दस के ऊपर ये कमरा उन्होंने बनाया और इस कमरे के अंदर वो तमाम लोगों से रहती थी और दिन रात अल्लाह की इबादत किया करती थी हज़रत जक़रिया काफ़ी हैरान होते थे जब वो आते थे और वो अल्लाह के मुख्तलिफ कस्म के फल और वो भी बग़ैर मौसम के और बिल्कुल फ़्रेश तो हज़रत जकरिया हज़रत मरियम से पूछती थी कि ये कहाँ से आया तो उनका जवाब होता था कि ये अल्लाह की तरफ़ से है और ये पूरा वाक़ सूरह मरीम के अंदर बड़ी तफसील से मौजूद है तो उसके बाद फिर हज़रत मरीम आलाम को अल्लाह की तरफ से जबरीली आए और उन्होंने बशारत दी हज़रतसी की और तमाम प्रोसेस फ़ौर फ़ौ वो हो गया और हज़रतसी पैदा हुए बदनुमा बिल्डिंग है Uh, वो बेसिकली टॉम ऑफ़ द क्रेडल ऑफ़ जीसस यानी हज़रत सलाम का गहवारा है और इसके अंदर जो uh, चौकोर सा एक uh, स्क्वायर uh, नमूना सा बना हुआ है उसके बारे में कहा जाता है कि ये वो पंगूड़ा है जिसमें हज़रत सलाम लेटा करते थे अब इस कमरे की तकदस की वजह से इसको बंद किया हुआ है और किसी को इजाज़त नहीं है अंदर जाने की ये ये इमारत मस्जिद अक्सा से के बाहर है बस बस सिलसिला के क़रीब करीब एक रास्ता है क़ब्रस्तान करीब उस जगह पे यह वाक़ है लेकिन मस्जिद अक्सा से ये ज़रा हट करके है ये वो मकाम है जहाँ पे हज़रत मरीम की वलादत हुई थी आ, उनके अंकल हज़रत ज़कराम और हज़रत इमरान इन दोनों की अजवाज बेस दोनों जो है वो आपस में सगी बहनें थी हन्ना और हज़रत इमरान की वाइफ का नाम हन्ना और जकरिया के वाइफ का नाम यशबी था ये दोनों आपस में सगी बहनें थीं जो हज़रत हारून आलाम की बेटियाँ थीं तो ये लोग साथ ही रहते थे और इसी बिल्डिंग के अंदर ये अब तार नम बिल्डिंग है जो तकरीबन दो फ्लोर नीचे है और काफ़ी मुश्किल रास्ता है बहुत तंग है तो उसके इसके अंदर इनकी वलादत हुई थी और इन ईसाइयों की रवायत के मुताबिक यहीं पे जहाँ पे हज़रत या मरियम की वलादत हुई थी इसी जगह उनका इंतकाल भी है और उनकी खबर भी यहीं पे है लेकिन बाहर इस तरह की कोई शवाहद नहीं है हो सकता है अंदर हूँ क्योंकि पुराने वक्त में ख़बर को इस तरह से सेपरेट नहीं किया जाता था लेकिन इनका मानना यह है कि इसी जगह पे उनकी कब्र भी है